हाँ जी, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक, जहां पे क्वेश्चन हमें कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, इनके एग्जांपल देने हैं हमें। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने दे रखा है हमें इंक्रीज इन एसेट एंड अ लायबिलिटी। एक एसेट भी इंक्रीज हुआ है और एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल तो इसमें रख लीजिए आप, टेकन अ बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है, इससे क्या होगा, आपके पास कैश बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मशीनरी कैसे खरीदी, क्रेडिट में खरीदी, उधार में खरीदी, यानी कोई एसेट खरीद लिया उधार में। आइए जी, तो ये पहला हो गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड के लिए चलें। सेकंड में इन्होंने बोला है डिक्रीज इन एसेट एंड लायबिलिटी, आपकी एसेट भी डिक्रीज हो रही है, साथ में लायबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा सेकंड वाले में क्या क्या हो सकता है। देखिए रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आपने जो बैंक लोन ले रखा था वो आपने चुका दिया, वापस पे कर दिया, तो क्या हुआ, आपका कैश चला गया, तो एसेट डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है, बट एक एक ही मांगा है, देखिए लिख ले ज्यादा फिर दिक्कत आएगा ना, एक एक मांगा है। और आप सोच लीजिएगा कुछ, और आपको पूछना है तो मैं एग्जाम्पल में बता दूंगा अलग से कमेंट कॉलम में, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे और डिस्कस करेंगे बाद में, कर लेंगे और डिस्कशन करना है इस पर, तो ठीक है। आप चाहें तो डिक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जांपल दे सकते हैं, और चाहें तो पेमेंट लिखना ही है तो लिख लीजिए, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स थ्रू बैंक, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया थ्रू बैंक या फिर कैश, दोनों से ही एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पर। थर्ड में हमारे पास उसने कहा है इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट भी इंक्रीज हो और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल सा है, कैपिटल या कैश ब्रॉट इन, ऐसे लिख देते हैं, कैश ब्रॉट इन बाय ऑनर, ऑनर लिख लीजिए या प्रोप्राइटर लिख लीजिए, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, इससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी और साथ में कैश बढ़ेगा, तो इसलिए एसेट भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में चले हम लोग, पॉइंट नंबर फोर्थ के एग्जांपल लें, ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल, एसेट भी डिक्रीज होना चाहिए और कैपिटल भी डिक्रीज होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या ऑनर फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, जहां पर एसेट भी डिक्रीज होंगे क्योंकि वो कैश ले जाएगा, तो बिजनेस से कैश कम हो जाएगा यानी एसेट कम होगा, और वो विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है। चलिए तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे, आप चाहें तो मैं थोड़ा और छोटा करके दिखा देता हूँ उसको स्क्रीन पर। ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को और एग्जांपल चाहिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे कमेंट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, मैं इनका रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलें यहां से। हाँ जी बेटा, तो जो बच्चे हमारी क्लासेस ऑनलाइन देखते हैं, मैं उनको कुछ डिटेल्स बता दूं हमारी क्लासेस के बारे में। तो हमारे जो यूट्यूब चैनल का नाम है, ये है SR अकाउंटेंसी क्लासेस, ठीक है, ये हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। आप हमारी यहाँ सारी वीडियोस को एक्सेस कर सकते हैं, जो भी हम वीडियो यूट्यूब पे अपलोड करते हैं आपको हमारे इस चैनल पर मिल जाएंगी। आप चाहें तो हमें फेसबुक पर भी फाइंड कर सकते हैं SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से ही।
ठीक है ना। तो एक तो ये इंफॉर्मेशन मुझे बतानी है ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए। इसके बाद एक इंफॉर्मेशन ये है कि जब आप हमारी वीडियोस को देखते हैं, आप हमारे वीडियोस के थ्रू कॉन्सेप्ट्स को समझ रहे हैं या किसी क्वेश्चन के सॉल्यूशन को समझ रहे हैं, और वहां पे अगर आपको कोई डाउट या क्वेरी है तो आपका उसका रेजोल्यूशन कैसे हो सकता है ये मैं बताऊं। जब आप वीडियोस को देख रहे हैं यूट्यूब पर तो वीडियो के नीचे एक कमेंट कॉलम आता है, उस कमेंट कॉलम में आप अपने डाउट और क्वेरी लिख सकते हैं और उन पर मैं आपको श्योरली रिप्लाई करूंगा। तो आप अपने डाउट्स और क्वेरीज के लिए मुझे यूट्यूब पर ही कमेंट कर सकते हैं और मैं आपके उस पर रिप्लाई करूंगा, ठीक है ना। तो ये हो गया आपके डाउट्स एंड क्वेरीज के लिए। अगर आप हमें कॉन्टेक्ट करना चाहते हैं तो मैं उसके लिए आपको अपना नंबर दे देता हूँ, 9261004×7। आप इस नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप करना चाहें तो उसके लिए भी यही नंबर है। इसके बाद आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि अगर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं हमारे तो जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करेंगे उसका एक नोटिफिकेशन आ जाता है आपके पास, एक अलर्ट आ जाएगा, यानी आपको बार बार टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। और आपको जो भी हम वीडियोस अपलोड करेंगे उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद एक जनरल क्वेरी आती है बच्चों की हमारे पास कि उन्हें वीडियोस ऑर्डर में नहीं मिल रहे हैं। क्वेश्चन वन मिल गया किसी चैप्टर का, तो क्वेश्चन टू कहाँ है, थ्री कहाँ है, या क्वेश्चन नंबर सेवन कहाँ है। तो उसके लिए आपको मैं बताऊं, आप जब वीडियोस को देखते हैं तो हम चैनल पर प्लेलिस्ट डाल के रखते हैं, ठीक है ना। प्लेलिस्ट हमारी क्लास वाइज है, चैप्टर वाइज है। आपको चैप्टर वन की वीडियोस देखने हैं तो चैप्टर वन की प्लेलिस्ट पर चले जाइए, वहां सारे वीडियोस आपको सिक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है ना। तो आप उन्हें सिक्वेंस ऑर्डर में देख सकते हैं कि कौन सा वीडियो हमें पहले देखना है आगे वाले वीडियोस को समझने के लिए। क्योंकि क्या होता है, आप कोई भी वीडियो प्ले कर देते हैं तो उससे पीछे कुछ एक बैकग्राउंड मटेरियल होता है, अगर आप उसे देखे बगैर आगे आ गए तो शायद आपको बातें इतने अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। तो आप वीडियोस को देखें तो प्लेलिस्ट के अकॉर्डिंग देखा कीजिए, ठीक है। तो ये बातें इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इसके अलावा एक चीज मुझे और बतानी है आप लोगों को, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, अच्छी लगती हैं, तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरे कॉन्टेक्ट नंबर मैंने आपको गिवन है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंप्लीट वीडियोस का एसेस आपको कैसे मिल सकता है। आप हमारे कंप्लीट कोर्स का एसेस ले सकते हैं, क्योंकि यूट्यूब पर सारे वीडियोस हमारे अवेलेबल नहीं है, पार्ट ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, ठीक है। तो ये मुझे बताना था आप लोगों को, अब आप हम आगे चलेंगे इसके बाद, ठीक है। हाँ जी, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करने जा रहे हैं आपके साथ। ये सिंपल सा क्वेश्चन है एक, जहां पे क्वेश्चन हमें कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस। हमें ये ट्रांजैक्शंस दे रखे हैं, इनके एग्जांपल देने हैं हमें। जैसे फर्स्ट ट्रांजैक्शन उन्होंने दे रखा है हमें, इंक्रीज इन एसेट एंड अ लायबिलिटी। एक एसेट भी इंक्रीज हुआ है और एक लायबिलिटी भी इंक्रीज हुआ है, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। तो देखिए इसके एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं। पहला एग्जाम्पल तो इसमें रख लीजिए आप, टेकन अ बैंक लोन, आपने बैंक से लोन ले लिया, ठीक है। इससे क्या होगा, आपके पास कैश बढ़ जाएगा, दूसरी तरफ लायबिलिटी बढ़ जाएगी। और भी एग्जाम्पल हो सकता है इसका, जैसे मशीनरी परचेज्ड ऑन क्रेडिट। मशीनरी कैसे खरीदी, क्रेडिट में खरीदी, उधार में खरीदी, यानी कोई एसेट खरीद लिया उधार में। आइए जी, तो ये पहला हो गया हमारे पास। इसके बाद सेकंड के लिए चलें। सेकंड में इन्होंने बोला है डिक्रीज इन एसेट एंड लाइबिलिटी, आपकी एक एसेट भी डिक्रीज हो रही है साथ में लाइबिलिटी भी डिक्रीज हो रही है। इसका एग्जाम्पल लिखिएगा सेकंड वाले में क्या क्या हो सकता है। देखिए, रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन, आपने जो बैंक लोन ले रखा था वो आपने चुका दिया, वापस पे कर दिया, तो क्या हुआ, आपका कैश चला गया, तो एसेट डिक्रीज हो गई, और लायबिलिटी पे ऑफ कर दी तो लायबिलिटी भी डिक्रीज हो गई। और भी एग्जांपल हो सकते हैं इसके, ठीक है, बट एक एक ही मांगा है, देखिए लिख ले ज्यादा फिर दिक्कत आएगा ना। एक एक मांगा है और आप सोच लीजिएगा कुछ, और आपको पूछना है तो मैं एग्जांपल में बता दूंगा अलग से कमेंट कॉलम में, ठीक है। ऑफलाइन वाले बच्चे और डिस्कस करेंगे बाद में, कर लेंगे और डिस्कशन करना है इस पर तो, ठीक है। आप चाहें तो डिक्रीज इन लायबिलिटी का एग्जाम्पल दे सकते हैं, और चाहें तो पेमेंट लिखना ही है तो लिख लीजिए, पेमेंट ऑफ क्रेडिटर्स, ठीक
थ्रू बैंक, आपने क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया थ्रू बैंक या फिर कैश, दोनों से ही एक एसेट डिक्रीज हो जाएगा और लायबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी। अब आते हैं थर्ड पर, थर्ड में हमारे पास उसने कहा है इंक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। ऐसा एग्जांपल दीजिए जिसमें एक एसेट भी इंक्रीज हो और साथ में कैपिटल भी इंक्रीज हो जाए। तो सिंपल सा है, कैपिटल या कैश ब्रॉट इन, ऐसे लिख देते हैं, कैश ब्रॉट इन बाय ऑनर, ऑनर लिख लीजिए या प्रोप्राइटर लिख लीजिए, मालिक ने बिजनेस में पैसा लगाया, इससे क्या होगा, कैपिटल बढ़ जाएगी और साथ में कैश बढ़ेगा, तो इसलिए एसेट भी बढ़ जाएंगे। उसके बाद फोर्थ में चले हम लोग, पॉइंट नंबर फोर्थ के एग्जांपल लें, ये क्या है, डिक्रीज इन एसेट एंड कैपिटल। एसेट भी डिक्रीज होना चाहिए और कैपिटल भी डिक्रीज होना चाहिए। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कैश विड्रॉन बाय प्रोप्राइटर या ऑनर फ्रॉम बिजनेस, कैश विड्रॉन बाय ऑनर फ्रॉम द बिजनेस। तो ये भी एक एग्जाम्पल है किसका, जहां पर एसेट भी डिक्रीज होंगे क्योंकि वो कैश ले जाएगा तो बिजनेस से कैश कम हो जाएगा यानी एसेट कम होगा, और वो विड्रॉ कर रहा है तो उसकी कैपिटल भी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो ये इसके एग्जाम्पल्स थे। आप चाहें तो मैं थोड़ा और छोटा करके दिखा देता हूँ उसको स्क्रीन पर, ये आपका कंप्लीट क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। आप लोगों को और एग्जांपल चाहिए ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स को, तो आप मुझे कमेंट कॉलम में मेंशन कर सकते हैं, मैं इनका रिप्लाई आपको जरूर कर दूंगा। चलिए ठीक है, अब आगे चलें यहाँ से।